एकदम ब्रांडी लग रहा है, सिर्फ 350 का है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं पैदल जा रहा हूँ सब लाने के लिए, क्योंकि आज गली में दो बाइक्स लगे हुए एक साथ, तो कौन निकालेगा, इसलिए मैं सोचा कि पैदल ही चलो। तो पैदल ही जा रहा हूँ आज मैं। तो गाइस, दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गया हूँ। और अब फिलहाल, अरे यार, एक सुबह सुबह एक पंगा हो गया, अभी पंगा हो गया। मैं एक एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस का, उसका रिजल्ट निकल गया, ठीक है, रिजल्ट तो निकल गया। अब जहाँ से मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, तो वहाँ से मुझे कॉलेज अलॉट किया जाएगा कि मैं कौन सा कॉलेज में पढ़ूँगा। तो उसके पहले वो लोग ऑप्शन देते हैं कि तुमको कौन से में पढ़ना है, तो वही दे देते वो लोग। मेरा रैंक तो बहुत पीछे आया, मेरे से आगे और किसी का भी आया था, तो मेरे को क्या दिखा रहे भी, मैं चेक किया तो नो अलॉटमेंट रिसीव्ड। मेरा तो यार सच में हार्ट बीट एकदम तेज़ होने लगा कि अब क्या होगा। तो जैसे कि मैं बताया कि ग्रुप में कि मेरा तो ऐसे बता रहा है, तो और कितने जन बताए कि मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। तो फिर मैं कॉल किया कॉलेज में, ऐसे ऐसे बता रहे, तो कॉलेज वाले बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, अपना रैंक कार्ड हमें एडमिन को मेल करो। तो फिर मेल कर रहा हूँ, मेल किया हूँ, तो ग्रुप में ये बोला कि ऐसे ऐसे बोले हैं, तुम लोग मेल करो। तो हद ओपी लेवल का आदमी लोग हैं, ओपी लेवल का है, सब बोल रहे हैं मेल क्या है, मेल बताया, मेल बता दिया तो बोल रही है क्या मेल करना पड़ेगा। और मैं क्या ही बताऊँ, और बताओ। तो गाइस, आज हमारा प्लान है न्यू मार्केट जाने का। तो न्यू मार्केट एक काम से जाऊंगा, क्योंकि बहुत समय पहले मैं एक पैंट खरीदा था, तो पैंट मुझे नहीं हो रहा है, तो वो बोले थे कि आप टैग वैग कुछ मत निकालना, तो मैं ले लूँगा। तो एक दिन, जिस दिन मैं गया था चांदनी, उस दिन मैं भी गया था, तो उस दिन मैं उनको बोला कि आपका पैंट है, तो बोले कि नहीं, आप मेरे पास से पैंट नहीं लेकर गए हैं। मैं उनको बोला कि ऐसे टाइप का पैंट लेकर गए हैं, बोले नहीं, ऐसे टाइप का मैं पैंट तो कभी तक बेचा ही नहीं हूँ। तो अब डर लग रहा है यार, और नहीं लेगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो अभी वही खोज रहा हूँ मैं पैंट, और देखता हूँ मिलता है या नहीं। मिल तो जाएगा, अलमारी के ही अंदर था, और देखता हूँ क्या करते हैं। मेरा सॉक्स भी था, ये देखो, ये सॉक्स को मैं कब से खोज रहा हूँ, और ये सॉक्स यहाँ पे है। पैंट खोजता हूँ भाई, पैंट कहाँ है मेरा, पूरा अंधकार है यहाँ पे। गाइस, मिरेकल मिरेकल, बस मैं ऐसे एक प्लास्टिक निकाला तो मुझे पैंट मिल गया। तो ये वाला पैंट था, ये वाला मैं ख़रीद के लाया था, तो ये मुझे छोटा हो गया है, ठीक है ना। तो देखो, टैग वैग सब वैसे का वैसे ही है, कुछ भी नहीं निकाला हूँ मैं। तो देखता हूँ इसको वापस कर देता हूँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कॉस्टली वाला पैंट है यार। वो देखो गाइस, खिड़की से हमें ताक रहा है, जेल में बंद है। तो गाइस, शाम के 5 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं। तो उससे पहले गाय को रोटी दे देते हैं यार, उनका खाना रखा रहता है, तो उनको पहले खाना दे देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। गाइस देखो, अभी पता नहीं ऊपर से ये पतंग आके इसके ऊपर अटक गया यार, कैसे लूँ अब समझ में नहीं आ रहा है। शिट। तो गाइस, हम फाइनली निकल गए हैं, और मम्मी को बोल रहा हूँ मास्क लगाने के लिए, सुनी नहीं रही है मेरा बात, लगा कि नहीं मास्क। अब यहाँ से सबसे बड़ा टास्क है बस मिलना, बस मिल जाएगा तो हम तुरंत पहुँच जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। पूरे एक घंटा बस में हम लोग थे, उसके बाद अब हम लोग आए हैं न्यू मार्केट, और यहाँ से सबसे पहले पैंट चेंज करेंगे ना। हाँ, ये लग कितना, 220 का, ये छोटा वाला 160। यहाँ पे आपको यूटेंसिल से लेके फाइबर बोतल से लेके हैंकरचीफ मोज़ा सब मिल जाएगा। ये न्यू मार्केट का सबसे फेमस अमेनिया, आएंगे कभी इसमें खाने के लिए, आज भी सैटरडे नहीं आ सकते। ये वाला पूरा कॉरपोरेशन ऑफिस है, सारे टाइप का यूटेंसिल्स आपको मिल जाएगा, सारे टाइप का। क्या चीज़ सब मिल जाएगा, पाव भाजी वगैरह सबका है, सब यूटेंसिल्स मिल जाएगा यहाँ।
देखो यहाँ पे पर्स वगैरह है, पर्स है, कपड़ा है, चुन्नी वगैरह सब है लेडीज लोग के लिए, टेडी बियर है, ये देखो यहाँ टेडी है, पिलो वगैरह, बेल्ट, चप्पल, ये बात सेल लगा यहाँ पे, जो लोगे 100 रुपये, जो भी चप्पल लोगे 100 रुपये, सब 100 रुपये में, कप वगैरह। यहाँ पे एक से एक शूज़ का कलेक्शन है, यहाँ पे भी चप्पल है, यहाँ पे आप अपना वजन भी चेक करा सकते हैं। शूज़ का कलेक्शन देखो, ये सब का क्या प्राइस होगा भैया? हाँ, 600 कोई भी लीजिएगा। फर्स्ट कॉपी? हाँ भाई, ये क्या बत्ती है क्या भैया? लाइट है क्या? नहीं, ये वाला काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, दिखाइए भैया ये वाला। ये कितना? कोई भी लीजिएगा, 600। कितना बोले? 600। तो यहाँ पे कोई भी शूज इतना कलेक्शन है, सब 600। बस यहाँ पे एक बार भीड़ देख लो गाइस, बस भीड़ देख लो एक बार, कितना भीड़ तो कभी उड़ा नहीं देंगे, पानी डालिएगा, पानी कितने भी डाल जाएगा, वाटर प्रूफ होती है। ये देखो गाइस, 10 रुपये में रुमाल, लेडीज़ है, बच्चे लोगों का रुमाल 10 रुपये का, 10 है वहाँ, 15 है, 20 है, 35-30 ऐसे सब करके है। यहाँ पे आज भीड़ इसलिए इतना ज़्यादा है अभी, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है ना, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है आज अब से यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल बैग, ट्रैवल बैग सब है, यहाँ पे सब मिलेगा, स्कूल बैग, ट्रैवल बैग, और ये क्या लेके घूम रहा है देखो यहाँ पे, ये देखो ये सब नया नया कलेक्शन है अभी देखो, पूरा लेडीज, यहाँ पे जेंट्स, ये देखो गांच में टांग के रखा है। इस साइड ज़्यादातर शॉप्स है और इस साइड सब फुट वाले हैं, ये इसका प्रमोशन कर रहे हैं देखो, डीओ का छाता है, यहाँ पे मेकअप का सामान, हेयर बैंड, छाता वाता सब मिलता है। ये पूरा टेडी मार्केट है, यहाँ पे पूरा टेडी मिलता है, ये पूरा खाने का लाइन है, इसके अंदर पूरा रेस्टोरेंट है, डोमिनोज, वामोमो, KFC, सब डॉल वॉल सब मिलेगा, लोग खाते हैं यहीं, कचरा करके छोड़ देते हैं, देखो क्या हालत है। यहाँ पे सनग्लासेस है, सारे टाइप के सनग्लासेस मिलेंगे, वॉचेस, ये देखो सनग्लासेस। यहाँ पे अब सब आपको मेल लड़कों का कपड़ा मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा यहाँ लड़कों का, हर एक डिज़ाइन का कपड़ा मिलेगा, हर एक डिज़ाइन का, सिर्फ 200 रुपये में, कोट वोट सब, ब्लेजर व्लेजर सब, हर एक डिज़ाइन का मिलेगा, हर कुछ मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ 200-300 के रेंज में, देखो 150 में। ये वाला यहाँ नया खुला है सिटी मार्ट, गाइस यहाँ से कभी परफ्यूम और मेकअप मत खरीदना, क्योंकि परफ्यूम में पानी मिलाया जाता है और मेकअप सब अच्छा नहीं होता है, देखो सब परफ्यूम सील किया हुआ है। कितना वाला? और भी कलर है इसका, सब कलर है। क्या दाम क्या होगा? बोला देना अच्छा लग रहा। छोटा बैग है ये, छोटा है, वन साइज का। कितना है सब? 650 का, क्वालिटी बहुत अच्छा है। ब्रांडेड शॉप्स भी मिल जाएंगे, मॉल्स भी मिल जाएंगे, लोकल भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, देख लो यहाँ से। ये सर चप्पल कितना? सबका अलग दाम है, जैसा लीजिएगा वो चला। ये एडिडास वाला कितना? ये वाला, ये वाला साइज क्या चाहिए बाबू? 8 नंबर। अभी मम्मी साड़ी देख रही है, पता नहीं मम्मी का फोन में गूगल असिस्टेंट कुछ बोलने लगा, बोल रही है क्या बोल रहा है देखो तो। लोफर सॉक्स, सॉक्स नहीं हो। ये देखो यहाँ पे इयररिंग्स, एक से एक इयररिंग्स है, झुमके टुमके। गाइस न्यू मार्केट का हालत देख लो,
देखो मैं यहाँ आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मम्मी वहाँ पे खड़ी है, देख लो ज्वेलरी देख रही है। 150 में चप्पल देखो। गाइस वहाँ पे भी हमने शूज़ देखा, पर ये वाला देखो पूरा कितना अच्छा एकदम ब्रांडी लग रहा है। सिर्फ 350 का है, सिर्फ 350। देखो यहाँ पे कप्स मिल रहा है, कांच का हर एक डिश है, बियर पीने का ग्लास, सजावट के लिए अचार डालने के लिए बर्नी, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए ग्लास व्लास सब। गाइस ये भी पूरा यहाँ से पूरा मार्केट है, यहाँ पे भी आपको डेकोरेशन का सामान वगैरह वगैरह सब यही सब मिलेगा आपको यहीं पे। सब अलग अलग जगह है, अलग अलग प्राइस है। मैं तो फ़िलहाल घूम रहा हूँ ऑटो स्टैंड खोजने के लिए, क्योंकि वहाँ पीछे एक ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे भी पता नहीं है या नहीं, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो गाइस न्यू मार्केट से हम निकल गए हैं और एक ऑटो पकड़ के हम आए हैं 7 पॉइंट पार्क सर्कस, और यहाँ से एक ऑटो पकड़ के सीधा घर। ऑटो स्टैंड यहाँ से ऑटो पकड़ूंगा सीधा घर। तो गाइस रात के 12:42 हो रहे हैं और मैं घर आके, घर आते ही मैं सीधा फ्रेश होके, बताया था ना कि जैसे मैं बस स्टैंड में खड़ा था वैसे ही एक असाइनमेंट आ गया, 2 असाइनमेंट आ गया, और वो भी ड्यू डेट कब है, कल, मतलब जब ये ब्लॉग आएगा उस दिन रात 11:59 में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो बस आते ही मैं एक असाइनमेंट करने के लिए बैठ गया। 3 असाइनमेंट थे, तो एक 27 को देना है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, 2 कल देना है मतलब आज देना है जब ये ब्लॉग आएगा। 1 कंप्लीट कर लिया हूँ मैं और कर दिया हूँ सबमिट, दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कब करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो अभी फ़िलहाल एडिटिंग के लिए बैठा हूँ, एडिटिंग करता हूँ, और कल सुबह एक जगह भी जाना है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं, पर उठना पड़ेगा, कुछ भी करके उठना पड़ेगा, और भाई जहाँ मैं पहले गया था वहीं पर जाना होगा, तो देखता हूँ क्या होता है। तो गाइस ब्लॉग तो एडिट हो गया है, 11:12 हो रहे हैं और अब जाके ब्लॉग एडिट हुआ है, काफ़ी लंबा बन गया वीडियो, और अभी तो मैं आपको न्यू मार्केट पूरा दिखाया भी नहीं, आधा ही दिखाया, अभी वहाँ से वहाँ जाना पड़ता और एक और जगह जाना पड़ता, मैंने मतलब मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट दिखाया, और 2 पार्ट है, तो और 2 पार्ट अगर आपको चाहिए, तो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे से लाइक आया, तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि दुर्गा पूजा में क्या सेल लगा है, क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या प्राइस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और फटाफट जाके इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दो तभी मिलेगा, और अगर लेट हुआ तो फिर दुर्गा पूजा निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिवाली का दिखा दूंगा, पर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, अगर आपको 2nd पार्ट चाहिए तो। तो खैर इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय हिंद जय भारत।